Yes, sir. Chapter number 3, time of supply, section number 12, 13 और 14. Okay, सरकार एक बात और ध्यान रखिए, अभी आपने चैप्टर नंबर 2 सुना होगा, अब चैप्टर 3 है. ये बहुत सुपर फास्ट रिवीजन है, ऑब्वियस बात है, लगभग 8 घंटे में पूरा इंडायरेक्ट टैक्स बोलना, क्लियर, और उसको लास्ट डे 1.5 डे जो आपको मिलता है उसमें रिवाइज करना, क्लियर, मेन पर्पज वो है. तो ऑब्वियस बात है ये बहुत फास्ट स्पीड में होंगे, सो आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, आराम से, आप चाहे तो पॉज कर सकते हो बीच में ग्रेस्पिंग करने के लिए, या आपको लगता है कि स्पीड बहुत फास्ट हो रही है, आपको कोई टॉपिक स्लो सुनना है तो स्पीड स्लो करके सुनिएगा, पर ये बहुत सुपर फास्ट लेक्चर है, सो बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली, थोड़ा सा भी ध्यान इधर गया, टॉपिक खत्म. सर सेकंड थिंग, आप लोग क्या करिएगा, ये चैप्टर्स में रिविजन लेक्चर जो है वो चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सारे लेक्चर्स आपको सिस्टमेटिक एक साथ अरेंज करके मिल जाएंगे वहाँ पे. आपको सब्सक्राइब करके आप वो बेल आइकन को टैप करिएगा, सो दैट जब भी नए अपडेट्स डालता हूँ, जैसे देर आर सम टॉपिक्स विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द आईस ऑफ द इंडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम नवंबर 19 एग्जाम्स ऑनवर्ड, तो उसका मैंने लेक्चर डाला था यूट्यूब पर कुछ स्टूडेंट ने वो लेक्चर देखा नहीं, तो उन्होंने वो चैप्टर पढ़ लिए, तो अकॉर्डिंगली जो भी अपडेट्स आता है मैं यूट्यूब डालता हूँ, सो दैट आपको फटाफट वो लेक्चर्स मिल जाए, टॉपिक मिल जाए और यू गेट अपडेटेड योरसेल्फ. ओके सर, चैप्टर नंबर 3 टाइम ऑफ सप्लाई, सुनिए ध्यान से. सेक्शन नंबर 12 बोलता है रिगार्डिंग गुड्स, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 बोलता है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन, और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था उस अकॉर्डिंग लायबिलिटी आती है टैक्स की. ओके सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है, वो बोलता है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब पेमेंट एडवांस की बात थी उसको अभी हटा दिया गया है, गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं लगता है. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर आपने टाइम पे बिल इशू नहीं किया तो ऐसे केस में द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. अब इनवॉइस कितने में इशू करना है, गुड्स केस में जब मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है वहां पे ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इटसेल्फ आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और अगर जहां मूवमेंट इन्वॉल्व होता है जब, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इशू करना, जब मैंने कस्टमर गुड्स अवेलेबल करवाया, और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स अगर होता है तो जब मैं आपको पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू करूंगा या पीरियडिकल आप मुझे पेमेंट करेंगे उस अकॉर्डिंग में जितना अमाउंट का आपने मुझे पेमेंट किया या जितने अमाउंट का मैंने आपको स्टेटमेंट इशू किया है उस दिन मेरे को उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स केस में. ओके तो सर मैंने अगर बिल टाइम पे इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा एज पर सेक्शन 31 जो बिल इशू हो जाना टाइम लिमिट दे रखी सेक्शन 31 में. ओके सर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 बोलता है जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए वहां वहां रेसिपिएंट के लिए टाइम सप्लाई देखेंगे, वहां पे तीन इवेंट, इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लीस्ट इज द टाइम सप्लाई फॉर रेसिपिएंट, फर्स्ट उसको गुड्स रिसीव हो गया, सेकंड उसने मुझे पेमेंट कर दिया, अच्छा उसने मेरे को पेमेंट कर दिया कब मानेंगे, या तो उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया या उसके बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू सप्लायर. ओके एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या एनी द डॉक्यूमेंट इन लियू ऑफ इनवॉइस, सर इन तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लीस्ट जो होगा वो टाइम सप्लाई हो जाएगा किसके लिए, गुड्स के केस में सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 ये बोलता है सर, पर ध्यान देखिएगा इन तीनों से अगर टाइम सप्लाई नहीं आता है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वो खर्चा बुक किया है वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 बोलता है वाउचर्स और कूपन्स अगर आपने सप्लाई किए इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स तो ऐसे केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब आपने वाउचर इशू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो जब वाउचर आप रिडीम करोगे वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन अगर सबसेक्शन 2 3 और 4 से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी इन एनी अदर केस तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द एसएससी टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 बोलता है अगर आपने किसी भी गुड्स के लिए क्लाइंट ने पेमेंट लेट किया आपको कस्टमर ने पेमेंट लेट किया और आपने उससे क्या चार्ज किया इंटरेस्ट या डिलेट पेमेंट चार्ज या कोई भी पेनल्टी चार्ज कर दी दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई इसमें सेक्शन 15, तो उस डिलेट पेमेंट चार्ज के लिए इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जब वो इंटरेस्ट या डिलेट पेमेंट चार्ज रिसीव होता है. अच्छा गुड्स सप्लाई किया उसके लिए फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल था उसके लिए तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस टाइम सप्लाई, पर जो इंटरेस्ट आया उसके लिए टाइम सप्लाई क्या है जब इंटरेस्ट वाला अमाउंट रिसीव हुआ आपको, नहीं रिसीव हुआ तो टाइम सप्लाई भी नहीं आएगा, आधा रिसीव हुआ तो आधे के लिए टाइम सप्लाई आएगा. ओके इंटरेस्ट की बात करूं मैं आपसे. ओके ये था सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है. अब सेक्शन नंबर 13 फॉर सर्विसेज, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 बोलता है कि सर्विसेज के लिए टाइम सप्लाई विल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन, और सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है, वो बोलता है क्या अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया, टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज का टाइम है साहब. अब आपने टाइम पे बिल इशू कर दिया तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अच्छा किस दिन मानेंगे पेमेंट रिसीव हो गया, जिस दिन मैंने बुक्स में एंट्री कर दी कि पेमेंट आ गया है, या
actual debit in the bank, actual credit in the bank account, whichever is earlier, is the date of receipt of payment. Okay, agar advance amount is up to rupees 1000, to headache lene ki zarurat nahi, aapki choice hai, aap chaho to abhi tax pay karo, aap chaho to jab aap uska invoice issue karenge tabhi time of supply aa jayega, tab tax pay karna. Aur ha, agar aapka time of supply subsection 2 se determine nahi ho raha hai, matlab aapne invoice raise nahi kiya, completion kabhi hua service pata hi nahi sab, to aise case mein payment kab aaya pata hi nahi aapko, to aise case mein subsection 2 se agar aapka answer nahi aa raha to रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में जब खर्चा बुक किया होगा, जब वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज. ओके, ये था क्या सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 जो मेन प्रोविजन है इसका, टाइम ऑफ सप्लाई का. सेक्शन नंबर 12 सॉरी सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, वहां वहां रेसिपिएंट के टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब उसने मुझे पेमेंट किया, या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर. और अगर अगर इससे टाइम सप्लाई नहीं आ रहा, तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, खर्चा बुक किया, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द रेसिपिएंट. ओके, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 बोलता है वाउचर या कूपन्स अगर आपने इशू किया सर्विसेज के लिए, और अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर इटसेल्फ, तो जब वाउचर इशू किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर या कूपन, तो ऐसे केस में जब वाउचर आप रिडीम कराओगे वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 बोलता है कि सर्विसेज के केस में अगर सबसेक्शन 2 3 और 4 से आपका प्लेस टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में रेसिडुअल प्रोविजन मिलता है. सेम पॉइंट जो हुआ था बेटा गुड्स केस में कि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई. और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 बोलता है कि अगर आपने सर्विसेज के लिए डिलेट पेमेंट चार्ज ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, लेट पेमेंट फी ले ली, तो ऐसे केस में दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, इसमें सेक्शन 15, तो उस इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब वो इंटरेस्ट या डिलेट पेमेंट चार्ज इज रिसीव्ड. सेम पॉइंट जो गुड्स में था. सेक्शन 13 खत्म होता है. अब इसमें अब कंट्री सप्लाई सर्विस का एक पॉइंट होता है, कंट्री सप्लाई सर्विस के इसमें इन्वॉइस का भी इशू करना पड़ता है, ध्यान रखना उसमें 30 डेज का टाइम नहीं मिलता. सर कंट्री सप्लाई सर्विस के इसमें इन्वॉइस का भी इशू करना पड़ता है, अगर कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पे आपको पेमेंट की लायबिलिटी आती है, रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जब वो इवेंट पूरा हुआ है, जैसे परसेंटेज कंप्लीशन होता है ना बिल्डिंग के केस में, 10% कंप्लीट 10 लाख रुपए देना है, तो जिस दिन वो 10% कंप्लीट हुआ उस दिन मान लेंगे 10 लाख की सर्विस क्या हो गई कंप्लीट, और वो इवेंट जिस दिन हुआ उस दिन उससे पहले ही आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है. देन अगर इवेंट फिक्स नहीं पर आपका पेमेंट का रेसिपिएंट का पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है, तो जब वो ड्यू डेट आएगा जितने अमाउंट के लिए आएगा उतने अमाउंट के लिए वो ड्यू डेट जो होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम सप्लाई हो जाएगा, मतलब उस दिन ही आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा साहब, और उस दिन इन्वॉइस इशू कर दिया तो वो टाइम सप्लाई हो गया, नहीं तो जिस दिन इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था मतलब वही दिन बेटा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. और अगर ना ड्यू डेट फिक्स है ना कोई इवेंट फिक्स है इस तरह का जब पेमेंट की लायबिलिटी आती है, तो जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तक उतने अमाउंट को उसको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, और वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, 30 दिन का वक्त यहां नहीं मिलता बच्चों. ओके, ये था क्या कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होगा टाइम सप्लाई, वो बता दिया मैंने आपको. सेक्शन 13 खत्म होता है. अब सेक्शन 14, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बसंती जयवीरू याद आया बेटा आपको सर, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और कंप्लीशन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई इनवॉइस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीव पेमेंट, इन तीनों के बीच में कभी रेट चेंज हुआ है, तो ऐसे केस में कंप्लीशन ऑफ सर्विस को मान लेना बसंती सर, कंप्लीशन ऑफ सर्विस या कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ध्यान रखना पहले था इनवॉइस पेमेंट दोनों बाद में थे, तो ऐसे केस में इनवॉइस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, कंप्लीशन पहले था इनवॉइस पहले था, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. कंप्लीशन पहले था पेमेंट पहले आ गया रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले, पर इन्वॉइस बाद में इशू किया कोई बात नहीं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अब सर रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ उसके बाद सर्विस कंप्लीट हुई है, तो ऐसे केस में कंप्लीशन बाद में था इनवॉइस पेमेंट पहले था, तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, उस दिन का रेट लेंगे बेटा. कंप्लीशन बाद में था पेमेंट पहले था एडवांस आ गया पर इन्वॉइस बाद में इशू किया, तो जब इन्वॉइस इशू किया वो टाइम सप्लाई हो जाएगा, एंड इन्वॉइस पहले था पेमेंट बाद में है कंप्लीशन बाद में, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम सप्लाई. क्लियर, मतलब कुल मिला के बसंती जय वीरू वाला आपको एग्जांपल याद आया होगा, बसंती के लिए जय वीरू साथ में दोनों जो पहले बजेगा हम उसकी बात मानेंगे, बसंती साथ कौन जय, जय की बात माननी, बसंती के साथ कौन वीरू, वीरू की बात माननी बेटा भारत माता की जय. इसमें एक पॉइंट और था सर कि अगर आपने जानबूझ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिगार्डिंग पेमेंट पहले कर दी और डेट ऑफ क्रेडिट बैंक अकाउंट बाद में है, तो ऐसे केस में ये बोला है कि डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, इन दोनों के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है और जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके 4 वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट पैसा क्रेडिट हुआ है, तो ऐसे केस में 4 वर्किंग डे के बाद में क्रेडिट हुआ है, तो 4 वर्किंग डे के बाद अगर क्रेडिट हुआ तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है वही क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और अकॉर्डिंगली टाइम सप्लाई विल बी डिटरमाइंड यूजिंग सेक्शन 14. इसी के साथ सेक्शन 12, 13, 14 टाइम सप्लाई चैप्टर 3 खत्म होता है. अब एक बात और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इस बार एक अमेंडमेंट हुआ है बिल्डर्स के लिए. सर बिल्डर्स ने प्रमोटर्स ने क्या किया, सोसाइटी से या मेंबर से या किसी पर्सन से डेवलपमेंट राइट लिए, पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे नई बिल्डिंग बनाएंगे और सर अगेंस्ट में उनको नई बिल्डिंग में मान लो कुछ एक्स वाई जेड फ्लैट दे देंगे. फॉर एग्जांपल सर पुरानी कोई सोसाइटी उसमें 50 फ्लैट है, उनको बोल दिया कि ये पुराने फ्लैट तोड़ेंगे और हम आपको नई फ्लैट दे देंगे 50 फ्लैट और रिमेनिंग फ्लैट जो होंगे वो बिल्डर के हो जाएंगे. अब सोसाइटी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, या वो
फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है या लॉन्ग टर्म लीज पे आपका लैंड दे रहा है, सोसाइटी का लैंड दे रहा है किसको, प्रमोटर को, बिल्डर को, और प्रमोटर बिल्डर क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट में उसको या तो मॉनेटरी कंसिडरेशन दे रहा है या कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, 50 फ्लैट बना के दे रहा है सर उनको, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है बेटा वो, उनके पहले फ्लैट बुक हो गए वो कंस्ट्रक्शन सर्विस में कवर हो जाएगा या मॉनेटरी प्लस कंस्ट्रक्शन सर्विस दोनों दे रहा है बेटा वो। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा सोसाइटी जो सर्विस दे रही है और बिल्डर जो सर्विस दे रहा है दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या कर दिया, शिफ्ट करके बोल दिया क्या, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कंपटेंट अथॉरिटी आएगा वो या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच एवर इज अर्लियर वही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और ध्यान रखिएगा सर जो डेवलपमेंट राइट सोसाइटी ने या किसी पर्सन ने ट्रांसफर किए या एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडस्ट्री ट्रांसफर किया या लॉन्ग टर्म लीज पे जो प्लॉट दिया किसको, बिल्डर को, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर खुद टैक्स पे करेगा, ध्यान रखिएगा प्रमोटर खुद टैक्स पे करेगा, ये रिवर्स चार्ज में इस बार पॉइंट ऐड हो गया है। पर हाँ सर बिल्डर पे टैक्स की लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज में सोसाइटी की लायबिलिटी, सोसाइटी की सर्विस पे बिल्डर की लायबिलिटी, और खुद ने जो बिल्डर ने 50 फ्लैट उनके लिए बुक किए उस पर भी लायबिलिटी बिल्डर की है, तो दोनों के लिए टाइम सप्लाई शिफ्ट करिए क्या कर दिया, ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कंपटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन सच केस। क्लियर, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है अब। थैंक यू सो मच।